Welcome to Dime News Studios. You are watching 12 a.m. Bulletin. वफाकी सरकार जे तर्जुमान नैब कानूनन में तमीम बाबत नून लीग जो तजवीज़ कयल मसवदो सोशल मीडिया ते शेयर करे छॾियो। वफाकी वज़ीर शिबली फराज़ चयो त ही आहिनि उहे दस्तावेज़ जिन ज़रिए NRO घुरियो वियो। नून लीग काफ़ी ॾींहनि खां चई रही हुई त NRO कंहिं घुरियो आहे। तारीख़ शाहिद आहे त लीगी क़यादत सदाई कानून खां भॼण जो रस्तो इख़्तियारु कयो आहे। सलाहकार शहज़ाद अकबर चयो आहे त अहसन इक़बाल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तमीम बाबति कूड़ ॻाल्हायो आहे। तमीम FATF जे मुक़ररु कयल मयार मूजिबि आहे। 2010 खां लाॻू कानून में बहितरी लाइ तरमीमूं कयूं पियूं वञनि। शहज़ाद अकबर चयो त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सज़ा 10 साल ताईं मुक़ररु कई पई वञे। नून लीग चाहे थी त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले मां नैब खे कढियो वञे। नालाइक लाडला कानून साज़ी बि नथा करे सघनि, तंहिं करे स्पीकर FATF कानून ते नज़रसानी लाइ पार्लिमानी कमेटी जोड़ी हुई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब वफ़ाक़ी वज़ीर जे बयान ते साहब छा स्पीकर समेत समूरे ऐवान बि NRO घुरियो हो? दस्तावेज़ ट्विटर ते शेयर करे अवां स्पीकर ते बि NRO घुरण जो इल्ज़ाम लॻाए रहिया आहियो। वफ़ाक ऐं सिंध सरकार जी कमेटी रुगो कराची न पर समूरी सिंध लाइ आहे। कमेटी जे TORs में सिंध जा ॿिया मनसूबा बि शामिल आहिनि। अहिड़ियूं कमेटीज़ पहिरीं बि ठहियूं हुयूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त वफ़ाक ऐं सिंध सरकार में राब्ते जी खोट हुई। NDMA खां नाला साफ़ कराइण वारे सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम बाद राब्ते जी खोट ख़तमु करण लाइ कमेटी जोड़ी वई। कमेटी जे इजलासनि में रुगो कराची न पर सिंध जे ॿियनि शहरनि में बि रोलड़ जो शिकार मनसूबनि ते बि बहस थियो। कोआर्डिनेशन कमेटी इंतिज़ामी मामलनि खे न ॾिसंदी। कराची में नाला साफ़ करण जी ज़िमेवारी KMC, DMC ऐं कैंटोनमेंट इख़्तियारनि जी आहे। क्यामाड़ी ज़िले जे क़याम ते ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त कोआर्डिनेशन कमेटी इजलास में हिकु मेंबर क्यामाड़ी ज़िले जो मामिलो थारियो। असां जवाब में चयो त हिन में कहिड़ो ऐब आहे? असांखे ख़दशा आहिनि त घणो कमाईंदड़ ज़िला हिकु पासे थी विया आहिनि। क्यामाड़ी ज़िले जे क़याम ते घणे अरसे खां ॻाल्हियूं हली रहियूं हुयूं। सिंध हुकूमत कानून तहत एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु करे सघे थी। नालनि ते गौर कयो पियो वञे, जल्द नाला साम्हूं अची वेंदा। वॾे वज़ीर जे सलाहकार निसार खोड़ो चयो आहे त 28 अगस्त ते मकानी इदारनि जे चूंडियल नुमाइंदनि जो मुदो पूरो थी रहियो आहे। 128 ॾींहनि में चूंड कराइण इलेक्शन कमीशन जी ज़िमेवारी आहे, पर अञा ताईं चूंड लिस्ट नाहे ॾिनी वई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे निसार खोड़ो चयो त मुशरफ़ दौर में कराची खे 18 टाउन्स में विरिहाइण ते MQM ख़ुशि हुई। हाणे खेनि क्यामाड़ी ज़िले ते एतिराज़ छो आहे? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चंदे बहाने मुल्क मां भतो उगाड़े रहियो आहे। आवाम खे अहिड़े वज़ीर आज़म मां छुटकारो ॾियारणु घुरिजे। नून लीग ऐं मीडिया में संदन हिमायती ॾींहुं राति वाविला करे रहिया हुआ त नवाज़ शरीफ़ बीमार आहे। ॾींहुं राति चवंदा हुआ त नवाज़ शरीफ़ खे परॾे न उमाणियो वियो त संदसि ज़िंदगी खे ख़तरो थींदो। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जी हिकु भेरो ॿीहर नवाज़ शरीफ़ खे परॾे मोकिलण वारे फ़ैसिले ते छिती तनक़ीद। फवाद चौधरी चयो आहे त हाणे उहे ई माण्हू चई रहिया आहिनि त हुकूमत पाण नवाज़ शरीफ़ खे परॾे मोकिलियो आहे त असां कीअं वापसि घुरायूं। इहो ई दोखो ऐं कूड़ आहे जंहिंजी बुनियाद ते नवाज़ लीग क़ाइमु थी। सिंध जी राजधानी कराची में ॿिनि ॾींहनि जी बरसाति बाद हेठां इलाइक़नि में अञा बि पाणी बीठल। केतिरनि ई हंधनि ते रोड रस्ता वेहिजी विया। हर पासे गंदे पाणी जा बि तला। सजानी टाउन में अॼु बि ॿेड़ियुनि ज़रिए रहवासियुनि खे महफ़ूज़ हंधु मुंतक़िल कयो वियो। इलाइक़े जे अक्सर घरनि में बरसाती पाणी जो राज। कुरंगी काज़वे अॼु बि ट्रैफ़िक लाइ बंदि। गुजर नाले में ॿुॾी वियल वधीक ॿिनि ॼणनि जा लाश हयत। हिकु ॼणे जो लाश पहिरियां ई हथु कयो वियो हो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 3 ॾींहं बि बरसाति जारी। बदीन, खोसकी, सिराणी, निंदो, मिठी, कुंडरी ऐं चलहार में बि वसकारे बाद गर्मी जो ज़ोर टुटी वियो। मौसमियात खाते 25 ऐं 26 अगस्त ते कराची में तेज़ बरसातुनि जी अॻकथी कंदे चयो आहे त कराची, मीरपुर ख़ासि ऐं हैदराबाद डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 26 अगस्त ताईं बरसाति जो सिलसिलो जारी रही सघे थो। मौसमियात खाते तर्फ़ां सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति दौरान हिकु भेरो ॿीहर शहरी बोर्ड जो ख़दशो ज़ाहिर। Thank you.
तिबी भरसा खौफनाक हादसे में औरतों ने बारन सूदो दह मुसाफिर अजल जो शिकार। जकबाबाद का बलोचिस्तान वेंदड़ मुसाफिर वैन से ट्रक टकराजी वही। अरह का जख्मी अस्पताल डां मुंतकिल। फौतिन मां बिन जणन जी टुलवासी साकिब बुरड़ो और मोहम्मद इसहाक खोसो तो सुणप। पंजगूर में जीप के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार टे फायर फौत बारड़ी जख्मी। सवात वेझो लैंडस्लाइडिंग सबब सिठाजा वासी नौजवान शफीक अहमद लुंड हयाती विञाए वेठो। फौती नौजवान फैमिली से घर घुमण लाय सवात वो हो। सिंध सरकार मोहर्रम राम के मौके पर अमन अमान की सूरतहाल के यकीनी बनाने ला 142 आलमन जाकरन मौलविन की तकरीरन से पाबंदी लगाए छड़ी। घरू खाते 60 दिन लाए पाबंदी जो नोटिफिकेशन जारी कर छो। नोटिफिकेशन मूजिब जानायल आलिम जाकिर ए मौलवी सूबे के समूरन जिलों में सफर भी न कर सकता। पाण तो अड़ो लफ्ज़ मैं न सरदार साहब के लिए छोजो लफ्ज़ यही लफ्ज़ चाहिए तो अड़ो लफ्ज़ न चुंदुम कल के अस सरदार साहब से मुलाकात थे शर्मशार थूँ। जो लफ्ज़ फ़कीरन या जमात के मानून उन्हीं के तरफों भी माजरत खा यो महारन खान लाए ना बल्कि असाज लाए भी वो सागो लफ्ज़ आ। दरगाह भरचुंडी शरीफ के गादी नशीन पीर अब्दुल खालिक कादरी के पुट अब्दुल मालिक उर्फ मियाँ मुजन ए सरदार मोहम्मद बख्श महर की भेण विच में शादी ता महर बरादरी भरचुंडी पीरन में तकरार तेज थी वो। चार ढीं अग अली गोहर महर पारा कच्छ घुराने बाद अज भरचुंडी पीर मियाँ अब्दुल खालिक ब भेरा पीरन खलीफन ए मुरीदन जो कच्छ सदाया। मियाँ अब्दुल खालिक है तो अली गोहर महर शादी टोड़ाए संग वापस घुरन की गाल कई है पर सरदार मोहम्मद बख्श महर की न्याणी शादी बाद असो नंग है जो कें भी सूरत में वापस न कंदी। खलीफन ए मुरीदन पारा अली गोहर महर खिलाफ़ गालायल गुथन लफ्जन से माजरत क्या तो मुरीद ए खलीफा अली गोहर महर ए संदस बरादरी खिलाफ़ गाल का पासो कन। कराची कमेटी नामंजूर। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में कराची के वफाक हवाले करने साजिशन कराची कमेटी खिलाफ़ मुजाहरा। शहदादपुर में कौमी अवामी तहरीक तरफा कराची कमेटी खिलाफ एहतजाज। बदीन में अवामी जमहूरी पार्टी जहा कारकुन रस्तन से निकली आया। मिट्टी में शागिर्द तहरीक के सर से रैली बाद मुजाहरों। कराची कमेटी ए सिंध के विरहांगे वारन साजिशन खिलाफ़ नारेबाजी। अगवाणन खिताब कदे है तो कराची सिंध की दिल है। सिंध जो हर मू आखिरी पसाह तीन कराची के वफाक हवाले करी साजिश खिलाफ जिदोजहद जारी रख। सिंध के विरहांगे वारे नापाक साजिशन के सदाई नाकाम बनाया वो। खैरपुर में ईद की रात कतल थियल व्यापारी राजेश कुमार के केस में घुर्बल टे जवाबदार गिरफ्तार। खैरपुर ए कोटड़े की पुलिस तरफा गडियल कार्रवाई दौरान जवाबदार भोजी मुलसिफ गतुल्ला मेमुण ए वाहिद शर के गिरफ्तार करने की दावा। पुलिस है तो जवाबदार चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर राजेश कुमार के कतल करने का एतराफ़ किया है। एस एस पी खैरपुर अमीर सऊद मक्सी जवाबदार के मीडिया आरोप पेश करते है तो राजेश कुमार जो ब्लाइंड मर्डर हो। सिबगत मेमुण मिल्कियत के मामले तां वाहिद शर के व्यापारी के कतल लाए 5 लख रुपया दिना। भोजूमल ए हशमत व्यापारी राजेश कुमार के कतल करने मनसूबो रखो हो। खैरपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर राजेश कुमार ईद उल अज़हा की रात बेदर्दी से कतल थो हो। सिंध में कोरोना वधिक नव मरीजन जो हयातियों गिड़काए वो। 329 केस जाहिर थियण बाद सूबे में वायरस अटियलन जो अंग वधी 1,28,284 थी वो। वडे वजीर कोरोना जहा नवा अंग खे जारी कर छड़ा। गुजरियल 24 कलाकन में 771 मरीज कोरोना के शिकस्त दे सेहतियाब थी वह। कराची में 160 दादू में 26 हैदराबाद में 19 कंबर में 15 सांगड़ में 13 चट्टो में 10 चंडोलहार में 9 केस जाहिर। हैदराबाद में कोरोना विघे अगोणो जेल सुप्रिटेंडेंट गुलाम मोहम्मद सारियो हयाती विञाए वेठो। कुछ ढीं अग संदस घरवारी भी कोरोना वबा से झेड़ींदे दम दिनो हो। मीरपुर खास के भान सिंह आबाद वाले इलाके में घर की छित किरण सबब सस ए नूह दबजी फौत व्यू। छित किरण सबब 65 साल की रिहाना ए संदस 25 साल की नूह अतीका जख्मी थियण बाद अस्पताल में दम धनी हवाले कयो। इलाके में सोग।
12 का 14 कलाक आम लोड शेडिंग है। बारिश के दौरान टोटल लगभग सब ट्रांसफार्मर सड़ी चुके, पीने के पानी सजे इलाके में शॉर्टेज पैदा की गई है। जैसे ही लाइट न दींदा तेस ही पानी निकाल के सा गंदा है। ये वापडा वालों का एसडीओ साहब का सा गलाए हो तो वो चोंदा बाबा ता पानी मदद पाण छारा हो असा वट को बजट ना है। लाइट आई कौन लोड शेडिंग छाती एकड़ो लाइट हुंदी है उनके कलाक पर बंद करना है ता मुकम्मल तौर लाइट बिन दिन का बंद पई है। ये मसलो वडो खतरनाक है, इनका हल थी तो ही का। लोड शेडिंग से कारोबार को टोटल मुसाफिर है। छोटू स्टेट वाला मशीन नहीं चला सकता, कंप्यूटर वाला कंप्यूटर नहीं चला सकता, दुकान वाला अपनी दुकान के डिस्प्ले को उजागर नहीं कर सकता। सुबह असा दहें बजे मार्केट खोलींदा आहियूं त दुकान ते अचूं था लाइट कान्हे। लाइट जेको आहे सो आहे ई कोन, नालो ई कोन्हे लाइट। असां बैटरी चार्ज कराए कराए बेज़ार थी पिया आहियूं। सिंध में आने लानियल ड्रिघी लोड शेडिंग जो अजाब न टरियो, कलाकन जा कलाक बिजली बंद होजन सबब कारवार मुतासिर। खैरपुर के ठेड़ी शहर में ड्रिघी लोड शेडिंग खिलाफ़ शहर जो बाईपास से धरणो। सैपको अमलदार धरने वाले हंध पहुंची मुजाहरीन के आने लानियल लोड शेडिंग खत्म करने की खातरी कराई। गालियों कामयाब थे बाद एहतजाज खत्म। हैदराबाद में बिजली की बंदिश ग्राफ बिल्स मोकलन खिलाफ़ मुतहदा पाकिस्तान के सद से अलामती भुख हड़ताल। मुतहदा MPS चाहिए शहरी इलाकन में भी हैस्को 10 का 12 कलाकन तीन बिजली बंद कर रहवासन को जीन अजाब कर छो है। मथा वरी गरा बिल सुणा पे वन हैस्को अमले से सड़ियल ट्रांसफार्मर्स तब्दील कर रिश्वत वन जो भी इल्ज़ाम। छाछरो में बिजली की फनी खराबी खत्म न थे सबब 40 का गोठ बिजली का महरूम। शहरी मीरवा में आजादार आने लानियल लोड शेडिंग खिलाफ़ रस्तन से निकली आया मुजाहरे दौरान सबको खिलाफ़ नारेबाजी। डहरकी में डेरन भायरन हथा कतल थे खौफ का इलाके के डॉक्टर वट पनाह लाए पौतल नारी कविता मेघवाड़ के खंभण की कोशिश। नारी जो दाहू नारी रोईंदे दाहो तो मुड़स जो दिमागी तवाजन ठीक ना है। डेर भायर कारें तोहमत हणी कतल कर चाहन था। दाह दियण बावजूद पुलिस न पनाह दिनी नई जवाबदार खिलाफ़ कार्रवाई कई तहफुज दियण की घुर। पाकिस्तान आखिरी टेस्ट मैच में फॉलो ऑन जो शिकार। इंग्लैंड के 583 रन के जवाब में कौमी टीम 273 रन से ढेर थी वही। कप्तान अजहर अली की कोशिशों से टीम 250 का स्कोर कर में कामयाब। अजहर अली 141 रन चाहे नॉट आउट रो। मोहम्मद रिजवान जी भी शानदार 50। इंग्लैंड के 310 रन की सरसी हासिल। पेशावर में BRT बसन में नसवार खड़ी अचान से पाबंदी। मुसाफिर जा खीसा चेक कर नसवार कढ़ने बाद खेन सफर करने की इजाजत दिनी वे थी। खैबर पख्तूनख्वा सरकार के अड़े फैसले में कुछ शहरी खुश कुछ नाराज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ से गए आऊं हां ताहिरा वजीर। हेडलाइंस हम रखी हूं तफसीली खबरों शॉर्ट ब्रेक खां पोए।